मेरी जमानत नहीं बची, मुझे बड़ी खुशी है इस बात की, ये मुझे और काम करने का संघर्ष देगी। लेकिन मुझे तकलीफ उन लोगों की है जिन्होंने कई कई हजार करोड़ रुपए खर्च किए और वो बेचारे आज सत्ता से पैदा कर। मैं नहीं चाहता कि वो दल जो है वो भी हमारा दल है वो बैकफुट पे जाए, लेकिन उनके कार्यशैली की वजह से वो लोग बैकफुट पे गए हैं और वो संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि कांशीराम साहब का आज जन्मदिवस है, पूरे देशवासियों को उसके लिए बधाई। और अगर हमें बीजेपी को रोकना है या उस दल को रोकना है सत्ता में स्थापित है, तो उससे ज़्यादा काम करना पड़ेगा। जो लोग एक महीने दो महीने राजनीति करते हैं उनके हिस्से में वही आएगा, हम तो पहली बार आए हैं। ये मैं समझता हूँ कि जिसकी इतनी संख्या बारे उसकी इतनी हिस्सेदारी, जिनका यहाँ मुख्यमंत्री होना चाहिए था, अगर उनका पार्षद बन रहा तो इसमें आपको नाराज नहीं होना चाहिए। मैंने आरोप नहीं लगाए क्योंकि मैं तो बहुत दिन पहले कह चुका कि ईवीएम से वोटों की चोरी हो रही है, लेकिन चुनावी दल जो है ना, मैं इसलिए चुप था कि आंदोलन करेंगे चंद्रशेखर और आनंद लेंगे ये विपक्षी दल। जब चुनाव होता है तो ये चुनाव लड़ने आते हैं, 5 साल कहाँ रहते हैं? अब ईवीएम पे रो रहे हैं तो ईवीएम पे बड़ा आंदोलन कौन तय कर रहा है? किसी राष्ट्रीय दल ने कहा है कि हम आंदोलन करेंगे कि तो चुनाव लड़े हैं? आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे 20-30 चुनाव हार गए हो, आपके बाल सफेद हो गए। ये आप इस बात का आइडिया लगाए कि ये लोग अपना समय छोड़ के जो आए हैं ये हमसे मोहब्बत करते हैं। माननीय कांशीराम साहब ने एक नारा दिया कि नोटों वाला हारेगा वोटों वाला जीतेगा। अब मैं कहाँ वोट कटवाऊँ? इस बार तो बहुजन समाज ने विकल्प के तौर पर उनको वोट किया, यही वोट जब हम मेहनत करेंगे अगली बार हमारे खेमे में खड़ा होगा। नमस्कार साथियों, मैं ब्रजमोहन मौर और आप देख रहे हैं जनता आवाज। जनता आवाज की टीम इस वक्त पहुंची है शाह ऑटोडियम दिल्ली में। यहां पर आजाद समाज पार्टी और भीमा आर्मी का बहुत ही बड़ा भव्य प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम मान्यवर साहब कांशीराम साहब के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाया गया है आज़ाद समाज पार्टी और भीमा आर्मी द्वारा। यहाँ पर हजारों कार्यकर्ता भीमा आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के उपस्थित हुए हैं। क्या कुछ कहा चंद्रशेखर रावड़ ने, आइए आज जानते हैं। पिछले 5000 साल से हम लोग जो है ना उसके तो सहानुभूति के अवसर तो बहुत आए। आगे बढ़ने की लड़ाई है और लड़ाई में हम तैयार हैं। एक गरीब का बेटा हूँ, हारूंगा मिट्टी में खेल खेल के बड़ा हुआ, और ठोकरे खाई रुकूंगा नहीं। और जब तक ये गरीबी जिसमें मैं पैदा हुआ, जिसको मैंने महसूस किया, जब तक ये गरीबी जड़ से नहीं खत्म होगी तब तक आंदोलन रुकेगा नहीं। गैर बराबरी पे जो आधारित व्यवस्था, जब तक उसकी जड़ें नहीं कटेंगी, जब तक इस देश से संघी जो है ना अपना एजेंडा नहीं बदलेंगे या फिर वो उनका आंदोलन निष्ठा नबूत नहीं होगा, तब तक इस आंदोलन को मजबूती चलाएंगे। जब तक इस देश में बहुजन समाज का राज स्थापित नहीं होगा। 28 तारीख को मिले थे गोरखपुर में, तो बड़ा ये था माहौल, बड़ा रोड शो शानदार था, ग्रैंड रोड शो मैं उसको कह रहा था, लेकिन वोट नहीं जुटा पाए उतने। जमानत नहीं बची आपकी? मेरी जमानत नहीं बची, मुझे बड़ी खुशी है इस बात की, ये मुझे और काम करने का संघर्ष देगी। लेकिन मैंने तो, क्योंकि हमने मेहनत की, हम नए दल थे, लोग ये सोच रहे थे कि विकल्प को वोट दे जिससे कि बीजेपी आसानी से हार जाए। लेकिन मुझे तकलीफ उन लोगों की है जिन्होंने कई कई हजार करोड़ रुपए खर्च किए और वो बेचारे आज सत्ता से पैदा कर, जिनकी एक एक सीट आई, मुझे उनकी बड़ी तकलीफ है। आपने अरवादिया कह रहे हैं वोट काट दिए, वोट कटवा बन गया। अब मैं कहाँ वोट कटवाऊँ? इस बार तो बहुजन समाज ने विकल्प के तौर पर उनको वोट किया, यही वोट जब हम मेहनत करेंगे अगली बार हमारे खेमे में खड़ा होगा, क्योंकि वो हमेशा वो सत्ता को अपने खेमे में चाहता है, इसलिए उसने विकल्प को वोट दिया। इस बार उन्होंने सोचा कि चंद्रशेखर विकल्प नहीं है, इनको वोट नहीं देते, इसलिए इस बार उन्होंने जिनको वोट दिया उनके हालात देख लो क्या है। मेरी वजह से किसी की सरकार नहीं रुकी, हमने मेहनत की, हम जमीन पे आए हैं और लोगों को चुप रहा है कि गरीबों की राजनीति दोबारा खड़ी हो रही है। कांशीराम साहब का आंदोलन बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का खड़ा हो रहा है। मैंने तो बहुत दिन पहले कहा था कि पुष्य मित्र सुंग अकेला बहुत है सम्राट अशोक के राज का नाश करने के लिए, और हुआ क्या आपके सामने। मैंने बहुत दिन पहले कहा था कि आप जब रिजल्ट आएंगे तब आप देखिएगा। मुझे खुशी है कि आजाद समाज पार्टी के लोग मैदान पर डटे, एक धोखे की वजह से देर हुई थी, लेकिन उन्होंने जितना हो सका 10 दिन में संघर्ष किया। हम अगले 5 साल मेहनत करेंगे और करके दिखाएंगे। ट्रेनिंग कैसी? चुनावी ट्रेनिंग सीखा होगा बहुत कुछ? बहुत कुछ सीखा। अब की बार धोखा नहीं खाएंगे, ना बिहार की तरह ना उत्तर प्रदेश की तरह, अब अपने पैरों पर खड़े होंगे। और मैं समझ चुका हूँ कि सामंतियों की जड़ें हर जगह, आरएसएस के लोग हर जगह बैठे हैं सभी दलों में, तो अपने दलों को आरएसएस के लोगों से दूर रखना। आप दिल्ली में भी चुनाव लड़ रहे हैं, अभी आप उम्मीदवार दिखा रहे थे एमसीडी के लिए, तो दिल्ली की क्या तैयारी है? हमने दिल्ली में एमसीडी के चुनाव में यहाँ की टीम ने, क्योंकि उन्होंने यहाँ मैदान मजबूत से काम किया है, उन्होंने यहाँ प्रत्याशियों की लिस्ट तैयार की है, वो प्रत्याशी यहाँ दमखम से जुटे भी हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं भी एक कार्यकर्ता बनकर उनके लिए यहाँ काम करूँ, गली गली जाकर उनके लिए वोट मांगूँ, क्योंकि मैं किसी बड़े बाप का बेटा नहीं हूँ, ना महलों में रहता हूँ। मेरा काम है संघर्ष करना और मैं संघर्ष करना जानता हूँ। मुझे विश्वास है कि एक दिन ये समाज डीलर और लोडर और उसके साथ लीडर का फर्क समझेगा। ओम प्रकाश राजभर ऐसे ही बोलते हैं, आपके दोस्त हैं, कांशीराम साहब के चेले हैं सब। तो ये चंद्रशेखर
दिल्ली में आकर के आपसे गठबंधन करने के लिए मजबूर किए, तो आपका निर्णय क्या? नहीं, मैं नहीं चाहता कि वो दल जो है वो भी हमारे दल है वो बैकफुट पे जाए, लेकिन उनके कार्यशैली की वजह से वो लोग बैकफुट पे गए हैं। मैं आजाद समाज पार्टी के बारे में जवाब देने के लिए बैठा हूँ। आजाद समाज पार्टी आगे बढ़ेगी क्योंकि आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता मेहनती और ईमानदार हैं और वो संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि कांशीराम साहब का आज जन्मदिवस है, पूरे देशवासियों को उसके लिए बधाई, दुनिया में जो लोग उनके फॉलोअर रहते हैं उनको बधाई, लेकिन उनके रास्ते पे हमें चलना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सत्ता संघर्ष से मिलेगी, और अगर हमें बीजेपी को रोकना है या उस दल को रोकना है सत्ता में स्थापित है, तो उससे ज़्यादा काम करना पड़ेगा। जो लोग एक महीने दो महीने राजनीति करते हैं उनके हिस्से में वही आएगा। हम तो पहली बार आए मैदान में लड़ने के लिए, जनता ने हमें जो वोट दिया उनका धन्यवाद। हम 24 घंटे 5 साल राजनीति करके लोगों के बीच में रह के अपने आंदोलन को मजबूत करें। चंद्रशेखर, बीजेपी ने जो टाइम जो आगे बढ़वाया है चुनाव का, उससे आपको फायदा होगा या नुकसान होगा? नहीं, हमें तैयारी करनी है, जहाँ जहाँ हमारी तैयारी हुई है वो तैयारी और आगे बढ़ेगी, और बाकी जिन्होंने बढ़वाया कुछ सोच समझ के बढ़वाया होगा, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें काम करना, जब भी इलेक्शन आएगा हम लड़ेंगे ही, तो हमें भी समय मिला क्योंकि हम मैदान में उतरने वाले हैं। तो मैंने तो कहा ना, आप मुझे गलियों में दिल्ली की घूमते देख लेना। पार्टी के उद्देश्य से मैं सब कुछ बता चुका हूँ कि जो समस्या यहाँ की बुनियादी है, जैसे MCD में सबसे बड़ी समस्या है सफाई कर्मचारियों, उस पर हम लोग काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर घर तक साफ जल पहुँचाएंगे, नारा बदल के साफ दारू पहुँचाने लगे। उन्होंने कहा कोरोना वॉरियर्स सब लोगों को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा देंगे, नहीं दिया। तो यहाँ जो MCD में जो परेशानियाँ हैं उनको दूर करने के लिए यहाँ की जो टीम है उन्होंने मेहनत की है, वो चाहते हैं MCD में आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी उतरे और जीते, और वहाँ की समस्याओं को, चाहे वो सड़क की हो, चाहे पानी की हो, या बिजली की हो, या टैक्स की हो, सब चीज़ों पे काम करें। चंद्रशेखर, आज आप किसी भी पार्टी ने वाल्मीकि समाज को टिकट नहीं दिया, और आपने अभी इतने दुनिया भर के नाम गिना दिए आपने प्रत्याशियों के, ये क्यों किया आपने? देखिए, मैं समझता हूँ कि जिसकी इतनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, जिनका यहाँ मुख्यमंत्री होना चाहिए था, अगर उनका पार्षद बन रहा है तो इस पर आपको नाराज नहीं होना चाहिए, खुश होना चाहिए कि जिनकी भागीदारी, जिनके वोट ज़्यादा है उनको ज़्यादा टिकट दिए गए हैं। और मेरा प्रयास रहेगा कि बहुजन समाज के जितने भी लोग जातियाँ हैं उन सबको टिकट मिले, क्योंकि जिनकी संख्या भी कम है उनको भी हमें आगे बढ़ाना है, उनका भी हाथ पकड़ना है, यही सामाजिक न्याय है। हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले कल में यहाँ मुख्यमंत्री भी शोषित वर्ग का बने, इसलिए हम अपनी जड़ें मजबूत करें। MCD चुनाव किस वजह से टाल दिए गए? हर व्यक्ति मुख्यमंत्री बनना चाहता है, इसलिए नहीं हो पाया। सबको मुख्यमंत्री बनना है, किसी को मिशन का काम नहीं करना है। 5 साल जो लोग घर में पड़े रहे वो सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए आए, टिकट बांटे और चुनाव लड़े। हम 5 साल सड़क पे लड़े और अब भी लड़ेंगे, और जब कहीं अन्याय अत्याचार होगा आप देखना कोई दल के लोग खड़े होंगे, अभी हमारे में आजाद समाज पार्टी लोग। नहीं, जनता खुद समझदार है, धीरे धीरे समझ रही है कि किसी को एजेंट कहने से एजेंट नहीं होता, काम करने से एजेंट होता है, जो जिसने किया जनता उसको देख रही है। शेखर साहब, केंद्र सरकार ने MCD चुनाव इस वजह से टाले हैं, उनका कहना है कि तीनों विभाग एक किया जाएगा, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इसमें नीचे जो कर्मचारी सफाई में है और जो उनको सैलरी नहीं मिल रही है उससे फायदा होगा क्या? इस राजनीति में उनको फायदा मिलने वाला है? देखिए, उन दलों की जिनकी बात आप कर रहे हैं वो सिर्फ हमारे पैर धोते हैं क्योंकि उनको हमारी वोट चाहिए, उनको कभी उनके एजेंडे में हमारी समस्या रही नहीं। तो हमें अपनी समस्याओं की जानकारी खुद है, और अब हमने अपनी लड़ाई को अपने कंधों पर उठाने का फैसला लिया है जीते जी, तो इसलिए चुनाव जब भी होंगे हमारे प्रदेश मजबूत से लड़ेंगे, और हमें उनको जीतने के लिए जो भी मदद हमारे तरफ से होनी है उसके लिए हम लोग सड़कों पर रहकर आंदोलन करेंगे, गली गली जाकर लोगों को अपील करेंगे। सफाई कर्मचारियों का कितना समर्थन आपकी पार्टी को मिल रहा है ये समय बताएगा, अभी तो हम लोग काम कर रहे हैं। उन्होंने तो सबको बनाया, अब मैं उनसे अपील करूंगा खुद को ही बना लो। कब तक दूसरों के हाथ फैलाते रहोगे? कब तक दूसरों के हाथ फैला के उनसे उम्मीद करते रहोगे? कब तक ठगे जाते रहोगे? कभी तो अपनी लड़ाई को समझो, कभी तो अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाओ, अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास करो। जिनके भरोसे उन्होंने ठगा, अब ठगे ना जाए, इसलिए कह रहा हूँ कि तैयार हो जाए। सर, दिल्ली में लगातार जो फ्री स्कीम चल रही है, अरविंद केजरीवाल फ्री बस सेवा, फ्री राशन, सब कुछ चला रहे, तो आजाद समाज पार्टी क्या स्कीम लेकर आने वाली है? हम अपने लोगों को पैरों पर खड़ा होना सिखाएंगे। ये जो सरकार फ्री में दे ना, हमने बताया कि रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा रोजगार सुरक्षा, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन देता है, सरकार क्या दे रही है? पैसा तो हमारा ही ले रही है ना, टैक्स तो दिल्ली के लोग ही दे रहे हैं ना, उसी पैसे तो सब कुछ हो रहा है। दिमाग में तो बुखार चढ़ा हुआ है, उसको उतारना पड़ेगा ना सर, एक धर्म का बुखार, एक फ्री का बुखार। और फिर ये सरकार, फिर अब मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन सच ये है कि दिल्ली में सिर्फ शेड्यूल कास्ट बहुजन समाज के लोगों को लूटा गया है, अपना उनका निशान दिखा के, अब वो लूटेंगे नहीं, अब अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास कर रहे हैं। सर, EVM पर तमाम पार्टियों ने मतलब आरोप लगाया, आगे क्या होने वाला है? नहीं, मैंने आरोप नहीं लगाया क्योंकि मैं तो बहुत दिन पहले कह चुका कि EVM से वोटों की चोरी हो रही है, लेकिन चुनावी दल जो है ना, मैं इसलिए चुप था कि आंदोलन करेंगे चंद्रशेखर और आनंद लेंगे ये विपक्षी दल,
जब चुनाव होता है तो ये चुनाव लड़ने आते हैं, 5 साल कहाँ रहते हैं? अब ईवीएम पे रो रहे हैं तो ईवीएम पे बड़ा आंदोलन कौन तय कर रहा है? किसी राष्ट्रीय दल ने कहा है कि हम आंदोलन करेंगे? उनका काम है सिर्फ चुनाव लड़ना, हार जाए तो ईवीएम की बात करना। ये विपक्षी दल अब ईवीएम के खिलाफ आवाज ना उठाए जो मुख्य रूप से है, तो इनको क्या समझा जाए? ये जनता को बहुत समाज गुमराह कर रहे हैं। नहीं, ये जनता को बेवकूफ समझते हैं, जनता इनको बेवकूफ बना रही है, ये जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। हिसाब बराबर चल रहा है। दिल्ली में एक आंदोलन हो रहा है, ठेकेदारी हटाओ मोर्चा, मैं उसका समर्थन करता हूँ। आप समर्थन, उनकी मांगों का पूरा समर्थन है, वो हम अपने मैनिफेस्टो में भी डालेंगे। जो अधिकारी हैं वो बात नहीं करना चाह रहे, उनका ये कहना मैं कवर कर रहा हूँ। उनका कहना है कि हमारे पास जीती हुई यूनियन है, हम उससे बात करेंगे, इनसे क्यों बात करें? हाँ, इसलिए हम एमसीडी में अपने जीते हुए लोग भेजेंगे जिनसे बात करनी पड़ेगी, जो कॉलर पकड़ के बात करना जानते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि एमसीडी ये अधिकारी बात करें, इसलिए अधिकारियों को चलाने वाले लोग तैयार करने पड़ेंगे। वही तैयार करने काम एमसीडी के जरिए हम अपनी जड़ें जो है मजबूत कर रहे हैं दिल्ली में। फिर विधानसभा चुनाव भी आएगा, लोकसभा चुनाव भी आएगा, हमें वो भी लड़ने। इस बार उम्मीद है एमसीडी में रिजल्ट आएगा। हाँ, जीतेगी, मेहनत करेगी, जो मेहनत करेगा वो जीतेगा। पर ये जो भीड़ है, प्रश्न सवाल ये था कि ये भीड़ वोट में क्यों तक नहीं हो पाती है? आपकी भीड़ अच्छी खासी है और आपके प्रति लोगों का भरोसा भी बहुत है, ये भरोसा कहाँ टूटता है आपके जब वोट? एक ही तो चुनाव लड़े हैं आप, तो ऐसे कर रहे हैं जैसे 20-30 चुनाव हार गए हो, आपके बाल सफेद हो गए। ये आप इस बात का आइडिया लगाए कि ये लोग अपना समय छोड़ के जो आए हैं, ये हमसे मोहब्बत करते हैं और ये चाहते हैं कि चंद्रशेखर जमीनी तौर पे काम करके हमारे साथ खड़े होकर हमें भरोसा दिलाए कि वो हमसे निराश नहीं करें जैसे दूसरे लोगों ने धोखा दिया। तो अब धोखा देने वाले को भरोसे ये लोग नहीं रहेंगे, अब हमारा प्रयास है कि हम काम करें और उनके भरोसे को जीतें। सर, एक चीज और बताइए, दलित तबके बहुत बड़ी है और आपको इनको भीड़ नहीं कहना चाहिए, ये मालिक है, ये यही तो लोग बनाते हैं। नहीं, बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि ये लोग डिवाइड हो जाते हैं, वोट कई पार्टियां आ जाती हैं अलग अलग, इन्हें कुछ बताती हैं और ये डिवाइड हो जाते हैं, एक साथ क्यों नहीं आ पा रहा है? आप बताओ, एमसीडी में पहले सरकार कब आई थी शोषित वर्ग के लोगों की? किसकी? शोषित वर्ग के लोगों की सरकार कब आई थी? बहुजन समाज के लोगों की? तो जो लोग जिन लोगों की वैसे नहीं है उनसे सवाल पूछने चाहिए। मैं तो अभी आया हूँ, मैं तो प्रयास कर रहा हूँ कि एकजुट करूँ, जोड़ने की बात। हाँ, नहीं, हम संगठन के तौर पर इनको जोड़ रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं और संगठन के तौर पर जोड़ के, और हम मेहनत करने वाले लोग हैं तो हमें विश्वास है कि जैसा काम हम कर रहे हैं अगर हमारे कार्यकर्ता उसका आधा काम भी करेंगे तो हमारी ताकत जो है ना बढ़ जाएगी। और मैं समझता हूं कि अब लोग ठेकेदारों के भरोसे ना रहें और ना बहुजन समाज बिकेगा ना बिकने देगा और वो अपनी लड़ाई अपने कंधों पे लड़ेगा। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। देखिए, माननीय काशीराम साहब ने एक नारा दिया कि नोटों वाला हारेगा वोटों वाला जीतेगा, लेकिन अब क्या है, मैं खुद चुनाव लड़के आया हूँ, पैसे आधारित चुनाव है, गरीब का बेटा लड़ ही नहीं सकता है। गरीब का बेटा लड़ेगा तो मैंने मीडिया ने दिखाया, मैं 7 दिन तक सड़कों पे वहाँ अपील करता हूँ, घुमाऊँ, एक अखबार ने नहीं छापा, एक टीवी ने नहीं दिखाया, तो इसका मतलब वो हमें नकारते रहेंगे, लेकिन हमें इस लोकतंत्र के जरिए अपनी ताकत बनानी है। तो अब हमने नारा जो है जैसे पीछे लिखा हुआ है, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, उसके साथ जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इसी नारे को लेकर हम जाएंगे। पहले बहुजन समाज में भाईचारा बनाएंगे, उनको बताएंगे कि धर्म के आंधी में अपने वोट को बांटना नहीं है, अपनी वोट से शक्ति बनानी है, इसलिए एकजुट होकर आजाद समाज पार्टी को वोट करें। नहीं, मैं लगता हूँ, मैं ही दिखता हूँ। हाँ, नहीं, मेरा काम है और हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं, हम सब लोग करते हैं। चंद्रशेखर तो सिर्फ अभी, क्योंकि चंद्रशेखर जिम्मेदार दी गई, बाकी बीमार भी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता उतना ही समर्पित जितना मैं, और वो काम करता है, उसी की वजह से मेरे जैसे गरीब को पहचान मिली। आज अगर एक गरीब का बेटा यहाँ दिल्ली में बैठा हुआ है इस ऑडिटोरियम में, तो बाबा साहब अम्बेडकर की देन है, और अगर राजनीति कर रहा है तो माननीय साहब काशीराम की। तो दोनों महापुरुषों का जो आंदोलन है उसको मंजिल तक पहुँचाना है। यहाँ एक कुर्सी है इसमें थोड़ी दूर पर ही, 7 रेस कोर्स रोड पर, उस पर हमारी नज़र है। जितना जल्दी समाज तैयार हो उतना जल्दी हम लोग उसकी तरफ को आगे बढ़े, और जिस दिन यहाँ उस कुर्सी पे हमारा व्यक्ति बैठेगा इस विचारधारा का, उस दिन ये देश खुशहाल होगा, उस दिन संविधान पूर्ण रूप से लागू होगा। तो साथियों, ये थे चंद्रशेखर रावड़ के जो बयान जो उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया, और आगे का रणनीति क्या रहेगी उन्होंने इस पर भी विस्तार से बात रखी। तो साथियों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।